और विपक्ष की होने वाली बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। इसमें गठबंधन के संयोजक, प्रधानमंत्री पद का चेहरा और लोकसभा चुनाव की रणनीति भी शामिल है। मुंबई में होने वाली इंडिया गठबंधन की बैठक में तय किया जाएगा कि इस गठबंधन को किस तरह से आगे ले जाना है। गठबंधन के संयोजक से लेकर इसके हेड ऑफिस तक पर विचार मंथन होगा, लेकिन इन सभी सवालों के बीच सबसे जरूरी सवाल ये है कि क्या विपक्षी दलों के बीच गठबंधन की तरफ से पीएम पद के नाम पर सहमति बन पाएगी। बैठक में इंडिया गठबंधन का लोगो जारी होगा, कोऑर्डिनेशन कमेटी के सदस्यों के नामों का ऐलान किया जाएगा। यही नहीं, इंडिया के संयोजक के नाम का ऐलान भी हो सकता है। विपक्षी दलों की बैठक में मैनिफेस्टो और सीट शेयरिंग पर चर्चा हो सकती है। इसके अलावा देश भर में गठबंधन की साझा रैलियों पर चर्चा होगी। बैठक का अहम पहलू ये भी है कि इंडिया की बैठक में 400 सीटों पर साझा उम्मीदवारों पर भी मंथन हो सकता है। मुंबई पहुंची ममता बनर्जी ने इसके संकेत भी दे दिए हैं। विपक्षी दलों की बैठक से पहले उन्होंने बयान भी दिया कि खेला होगा और चर्चा इंडिया का जो होगा वो मीटिंग में ही होगा। हमारा प्राइमरी बात है कि हम इंडिया को बचाए, देश को बचाए। लोकसभा चुनाव में एनडीए को टक्कर देने के लिए बने इंडिया गठबंधन का संयोजक कौन होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है जिस पर कोई भी नेता कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। एक और मुंबई में विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन आज कई अहम फैसले ले सकता है, तो दूसरी ओर इस पर सियासत भी जमकर हो रही है। 5 राज्यों के विधानसभा और लोकसभा चुनाव को लेकर सभी दलों ने पूरी ताकत झोंक रखी है, फिर चाहे वो एनडीए हो या फिर विपक्षी दलों का गठबंधन इंडिया। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा मुंबई में होने वाली इंडिया गठबंधन की बैठक को लेकर है। बैठक से पहले जहां कांग्रेस एक तरफ बीजेपी पर हमलावर है, लेकिन पीएम पद के फेस को लेकर कुछ नहीं बोल रही है। प्रायोरिटी है जो वर्तमान प्रधानमंत्री, और एक बार हम जीत जाते उनको हटाने के लिए तब हम तय कर लेंगे कि हमारा प्रधानमंत्री कौन है। ऐसा ही हाल समाजवादी पार्टी का है जो इंडिया गठबंधन का अहम हिस्सा है, लेकिन जैसे ही पीएम पद और संयोजक को लेकर सवाल उठा तो शिवपाल यादव ने भी चालाकी भरा जवाब दे दिया। सब लोग कर लेंगे उसकी, आप लोग चिंता मत करो। विपक्षी दलों के अपने अपने दावों के बाद केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने इंडिया गठबंधन को घेरा और विपक्ष पर कई गंभीर आरोप लगाए। एक ऐसी जमात देश को स्टेबलाइज नहीं, डी स्टेबलाइज कैसे किया जाए, उसी पर एनर्जी लगा रहे हैं। इस साल के आखिरी में 5 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं, जबकि अगले साल लोकसभा चुनाव भी है। ऐसे में एनडीए और इंडिया दोनों ही रणनीति बनाने में जुटे हैं। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, यह आपका टाइम। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।